अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 के बुक का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो उसका न्यू टॉपिक के लर्निंग आउटकम देख लेते हैं। तो लर्निंग आउटकम्स क्या है यहाँ पर, एक्सप्लेन द एचटीएमएल कोडिंग, आइडेंटिफाई टैग्स यूज इन एचटीएमएल, कंट्रास्ट बिटवीन द कंटेनर एलिमेंट एंड एम्प्टी एलिमेंट। तो सबसे पहले हम HTML कोडिंग की बात करते हैं। तो HTML कोडिंग क्या होता है आपके पास, HTML कोडिंग कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। नंबर वन इसमें टैग्स, सेकंड है एलिमेंट्स एंड थर्ड है एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहले आपको मैं टैग्स के बारे में बताऊंगा कि टैग्स क्या होते हैं। टैग्स जो होते हैं आपके पास, एन HTML टैग ऑलवेज बिगिंस विद अ लेस देन साइन एंड एंड्स विद द ग्रेटर देन साइन। इसका मतलब क्या है, टैग्स वो कहलाते हैं इसमें आपके पास लेस देन का साइन और ग्रेटर देन का साइन आता है, तो इसको हम टैग बोलते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास टैग बना हुआ है और बीच में आपके पास लिखा हुआ है बी। बी का मतलब यहाँ पे क्या है, हम टैग्स को बोल्ड करने के लिए इस टैग को इस्तेमाल करते हैं। और इसके दरमियान में पी लिखा हुआ है, लेस देन एंड ग्रेटर देन के साइन के दरमियान में लिखा हुआ है पी। इसका मतलब क्या है, ये आपके पास पैराग्राफ टैग है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एचटीएमएल एलिमेंट की। अ वेब पेज इज मेड अप ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट एंड एचटीएमएल एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। सम एलिमेंट डू नॉट हैव क्लोजिंग टैग। इसका मतलब क्या है कि वेब पेज जो होता है वो एचटीएमएल के एलिमेंट पर डिपेंड कर रहा होता है, और जो एचटीएमएल के एलिमेंट होते हैं उसमें आपके पास ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग होता है, और कुछ जो एलिमेंट होते हैं उसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है, उसमें सिर्फ ओपनिंग टैग होता है। तो मैं यहाँ पर इसकी दो टाइप्स हैं, इसके बारे में बताया तो आपको कि एचटीएमएल की दो टाइप्स कौन कौन सी है। तो सबसे पहले टाइप है इसकी कंटेनर एलिमेंट, और सेकेंड है इसकी एम्प्टी एलिमेंट। तो कंटेनर एलिमेंट क्या होता है आपके पास, एचटीएमएल एलिमेंट डेट इंक्लूड बोथ ऑफ एंड ऑन टैग इज कॉल्ड कंटेनर एलिमेंट। कंटेनर एलिमेंट की बात करूँ तो उसमें आपके पास ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। जबकि एम्प्टी एलिमेंट की अगर बात करूँ तो एम्प्टी एलिमेंट एचटीएमएल एलिमेंट्स डेट ओनली हैव एन ऑन टैग डो नॉट रिक्वायर एन ऑफ टैग इज कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि एम्प्टी एलिमेंट के अंदर आपके पास क्लोजिंग टैग नहीं होता, सिर्फ ऑन टैग होता है। आप चलें इसकी एग्जाम्पल देख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर कंटेनर एलिमेंट की एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पर जो सिंपल आपके पास टैग के दरमियान में पी लिखा हुआ है, या आपके पास ओपनिंग टैग है, और अगर मैं स्लैश के फॉरवर्ड स्लैश के साथ यहाँ पर लिख दूँ पी, तो आपके पास ये बन जाता है क्लोजिंग टैग। तो इसका मतलब पी जो पैराग्राफ है वो ओपनिंग टैग भी है एंड क्लोजिंग टैग भी है। उसके बाद मैं एग्जांपल देख लेता हूँ एम्प्टी एलिमेंट की। तो एम्प्टी एलिमेंट में आपके पास क्या है, बीआर टैग। बीआर टैग एक ब्रेक लाइन के लिए यूज़ करते हैं, एक लाइन को ब्रेक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। उसके बाद मेरे पास थर्ड टॉपिक क्या है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होते हैं एचटीएमएल के, एट्रीब्यूट्स गिव अस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स, दे आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन साइड द स्टार टैग एंड हैव अ नेम वैल्यू पेयर। एग्जाम्पल इसका मतलब क्या है कि एट्रीब्यूट जो होते हैं हमारे पास, वो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं उस एलिमेंट की यहाँ पर, और उसको ये किसी भी सिंगल नहीं होते बल्कि ये किसी भी पेयर के साथ होते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो पेयर होती है। नीचे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एचटीएमएल लैंग्वेज। अगर एचटीएमएल लैंग्वेज की बात करूँ तो एचटीएमएल लैंग्वेज कौन सी, ENGB। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज आपको बताना होगा कि फॉन्ट साइज की वैल्यू है 5। इसका मतलब क्या है, फॉन्ट साइज अकेले कुछ भी नहीं है, इसके साथ 5 जो है वो पेयर है, एक वैल्यू का क्या है, वैल्यू का पेयर है आपके पास। इसी तरह मैं अगर फॉन्ट कलर की बात करूँ तो फॉन्ट कलर आपको बताना होगा यहाँ पर कि फॉन्ट कलर यहाँ पर क्या है, रेड है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक स्पेसिफाई होते हैं एक पेयर के साथ, और उसकी जो वैल्यू होती है वो आपके पास लाजमी लिखनी होती है। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक ये था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।